Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Law Gat ke hawale se hamari yahan pe classes ka humne aghaz kiya hai. To bahut sare student ne chaha ke aisi classes hon, kyunki bahut sare majority wale students aise log, lawyers aise hote hain jo job kar rahe hote hain ya business kar rahe hote hain, aur mostly wo practice mein shamil hote hain. Ab practice kar rahe hain, time nikalna काफ़ी बड़ा मुश्किल काम है, तो इस वजह से लॉ गेट की काफ़ी स्टूडेंट्स ने दो दो अटैम्प्ट ले ली और कुछ ने तीन अटैम्प्ट पूरी कर ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉ गेट उनका क्लियर नहीं हो सका किया. तो इतना मुश्किल काम नहीं है अगर हम थॉरली थोड़ी स्टडी करें, क्योंकि जो पेपर पूछा जाता है, पेपर का जो पैटर्न है वो थॉरली स्टडी है. मतलब कि कुछ सेलेक्टिव चीज़ें हम याद करके हैं, काफ़ी थॉरली स्टडी, सेक्शन को याद करना, फिर पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल क्या क्या हैं, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है, हाई कोर्ट की पावर क्या है, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे वो घुमाता फिराता है. तो दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हमें दो घंटों का टाइम वहाँ मिलता है, दो घंटों के अंदर हमने 100 क्वेश्चन करने होते हैं. मतलब 100 क्वेश्चन हैं और 120 वहाँ पर मिनट हैं, तो क्वेश्चन भी काफ़ी लेंथी होते हैं, उनको समझना एक माना रखता है, समझ कर फिर क्लिक करना. तो पांच ऑप्शन दिए होते हैं, कंज्यूम करना काफ़ी मुश्किल काम है, टाइम को कंज्यूम करना हमें आना चाहिए कि दो घंटों के अंदर हम वहाँ पे एटलीस्ट दो मरतबा हम सारे क्वेश्चन को राउंड कर लें, और जो क्वेश्चन हमारे फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुए, सेकेंड अटैम्प्ट में हम उनको अच्छी तरह कर लें, फिर थर्ड अटैम्प्ट के अंदर, मतलब सारे क्वेश्चन हमने पढ़ के करने हैं, बगैर पढ़े हुए हमने क्वेश्चन कोई टिक नहीं करना. और नेगेटिव मार्किंग उसके अंदर नहीं है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. कुछ पेपर है ये लॉ गेट का टेस्ट, कुछ पेपर इसमें हमने दिया है आर्टिकल के हवाले से, पाकिस्तान को जो है वो पोर्शन सिर्फ हमने इसमें लेके आए हैं, बाकी जो पोर्शन है वो सब्जेक्ट वाइज हम डिवाइड करेंगे चीज़ों को. तो पहला हमारा जो है यहाँ पर US, पहला क्वेश्चन जो था कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, US कांग्रेस कंसिस्ट ऑन रिप्रेजेंटेटिव है और सेनेट, मतलब कि US जो कांग्रेस है वो किस चीज़ पे मुश्तमिल होती है. जिस तरह मजलिस शूरा है हमारी, उसके अंदर उसके दो मेंबर हैं, दो उसके हाउस हैं, मजलिस शूरा पार्लियामेंट है और एक सेनेट है. तो इस तरह यहाँ पे जो US की कांग्रेस है, US की जो पार्लियामेंट है वो मुश्तमिल है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर और सेनेट पर. दूसरा क्वेश्चन वहाँ पर था इम्पीचमेंट ऑफ US प्रेसिडेंट. अब इसको कौन जो है ना US प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकता है, इसको अगर सीरियस क्राइम उसके ऊपर है, इम्पीचमेंट कहते हैं सीरियस क्राइम अगर किसी बंदे के ऊपर या प्रेसिडेंट के ऊपर USA में है, तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना, तो वो क्या होगा, वो कोर्ट लेगी. तो अब यहाँ पर एक तीसरा सवाल था ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है वो क्या है, वो किस तरह है, अब इसके बारे में हम यहाँ पर देखना है कि वो आर्टिकल 184 अंडर सेक्शन जो है ना, आर्टिकल 1 और ये 3, मतलब 184 जो आर्टिकल है वो इसको डील करता है ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को. और ये जो ज्यूरिस्डिक्शन है इसकी, ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है, मतलब कि प्रोविंस टू प्रोविंस अगर एक सूबा दूसरे सूबे के साथ थोड़ा क्लैश करता है किसी मामले के अंदर, ये थोड़ा सा उनकी गिड़मिड है, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आज आर्डर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट देगी कि क्या करना है आप लोगों को. या फिर स्टेट का, फेडरल स्टेट का, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान का क्लैश है या कोई लॉ के अंदर इरेगुलरिटी है विद प्रोविंस किसी सूबे के साथ है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे उसकी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन आर्टिकल 184 के तहत अप्लाई होगी. अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है आर्डर ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट बाउंड ऑन. फेडरल शरीयत कोर्ट जिस तरह की हम जानते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है और कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, तो फेडरल शरीयत कोर्ट का काम क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. तो लेकिन यहाँ बाउंड होगी वो, तो वो सारी की जितनी भी कोर्ट हैं, हाई कोर्ट है उसके अंदर, सेशन कोर्ट हैं, जितनी भी कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, सब पे ये अप्लाई होगी
order of federal Shariat court. A person arrested without warrant. Without warrant, अगर किसी बंदे को गिरफ्तार कर लिया है तो 24 आवर्स तक वो बंदा पुलिस की कस्टडी, पुलिस अपनी उसको कस्टडी में रख सकती है, अपनी कैद में रख सकती है. इसके अलावा फिर उसको कोर्ट में पेश करना होगा. तो इस तरह एक क्वेश्चन था, डिसीजन ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट अप्लाइज टू. जिस तरह ये क्वेश्चन है, सिमिलर यही क्वेश्चन था, तो ये अप्लाई होगा टू ऑल सबॉर्डिनेट कोर्ट्स. मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो, क्योंकि यह हिस्सा है फेडरल शरीयत कोर्ट, तो इसके अलावा जितनी भी कोर्ट्स हैं, जिस तरह के हाई कोर्ट हैं, जिस तरह जितनी भी कोर्ट हैं, सब पे अप्लाई होगा. अब प्रेसिडेंट इलेक्शन इन पाकिस्तान, बहुत अहम सवाल है. बहुत सारे लोगों को इसका पता ही नहीं होता कि प्रेसिडेंट किस तरह सेलेक्ट होता है पाकिस्तान के अंदर. प्रेसिडेंट बेसिकली पाकिस्तान में सेलेक्ट होता है, पाकिस्तान का जो मजलिस शुरा है, मतलब उसके अंदर दो हाउसेज हैं. पहला है पार्लियामेंट हमारी, जिसके जो है ना 342 आलमोस्ट मेंबर हैं, और फिर उसके अलावा सेनेट है जिसके 104 मेंबर हैं. फिर इसके अलावा जो है प्रोविंसेस असेंबलीज जो हैं, तीन हाउसेज उसको सेलेक्ट करते हैं. जितनी भी सूबाई असेंबली हैं वो भी इसको सेलेक्ट करती हैं, मतलब मजलिस शुरा, उसके अंदर दो हाउस आ गए, और फिर प्रोविंसेस असेंबलीज. तो वो तीन चीज़ें इसको, तीन हाउसेज इसको सेलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को. अब डुअल नेशनलिटी, एक बंदा उसके पास डुअल नेशनल है, वो दोहरी शहरियत है उसके पास, तो उसके ऊपर वो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसको अपनी एक नेशनलिटी छोड़नी पड़ेगी. आर्टिकल 233 ये क्या कहता है कि पावर टू सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी. अब ये किसके पास पावर है कि एमरजेंसी अगर नाफिज है पाकिस्तान के अंदर, मतलब कि पाकिस्तान के एमरजेंसी कहते हैं कि पाकिस्तान के कुछ इंटरनल बहुत ही क्लैश है, कोई ख़तरनाक सूरत हाल है, या एक्सटर्नल कोई वार का ख़तरा है, कोई जंग का ख़तरा है, तो फिर वहाँ पे एमरजेंसी आ सकती है. तो एमरजेंसी कौन नाफिज करेगा? प्रेसिडेंट. और इसके अंदर प्रेसिडेंट इसको, ये आर्टिकल जो है ना 233 इसको डील करता है कि प्रेसिडेंट जिस तरह का भी आर्डर देगा उसको वो नाफिज होगा. अब आर्टिकल 10A, ये राइट टू फेयर ट्रायल, मतलब एक बंदे का जो बंदा, जिस बंदे के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम है तो उसको उसका फेयर ट्रायल होना चाहिए, तो आर्टिकल 10A उसको डील करता है. तो ये सवाल थे. इस तरह 174(5) है, ये भी ज्यूरिस्डिक्शन के बारे में है. तो इस तरह ये आर्टिकल थे ये वाले सारे, और ये चीज़ें वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से पूछी गई थी पेपर के अंदर, इस पेपर में जो 8 दिसंबर 2019 को हुआ. अब हमने ये शुरू किया है काम कि किस तरह हम जो है ना, ये 1973 का आइन कब आया, फिर इसके आर्टिकल कितने हैं, शेड्यूल कितने हैं, इसके अमेंडमेंट कितनी हो चुकी हैं, जो कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक बेल आइकॉन सो दैट एवरी व्यू वीडियो एंड अपडेट मे रीच टू यू. 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली अप्रैल के अंदर जो है ना 18 अप्रैल ऑलमोस्ट उसको पार्लियामेंट ने उसको पास किया, और फिर 14 अगस्त 1973 को ये नाफिज हुआ था. दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं, जिस तरह 56 का कॉन्स्टिट्यूशन है, 62 का कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो ये जो है 14 अगस्त 1973 को नाफिज हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है. और फिर ये आर्टिकल इसके अंदर कितने हैं, आर्टिकल इसके अंदर हैं 280, मतलब 280 आर्टिकल इसके अंदर हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और शेड्यूल इसके अंदर 5 हैं जिसके अंदर अमेंडमेंट्स हैं, और फिर अमेंडमेंट इसमें जो तरमीम हुई हैं वो 25 तरमीम अब तक हो चुकी हैं, और जो उनमें से बहुत ही अहम तरमीम थी वो एक 18वीं तरमीम थी, जिसके अंदर प्रेसिडेंट की पावर को वो एक इत्तेफाकी तौर पर रिजॉल्व कर दिया गया था. मतलब कि अब जो पाकिस्तान का जो सिस्टम है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है या कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पार्लियामेंटरी है, और इससे पहले प्रेसिडेंशियल था. तो इस तरह जो है ना, वो प्रेसिडेंट की पावर को काफ़ी हद तक कम कर दिया गया इस 18वीं तरमीम के तहत. फिर इस तरह जो पाकिस्तान की जो तरमीम हुई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो है 21st अमेंडमेंट. 21वीं तरमीम बहुत ही अहम है, 21वीं तरमीम
जो ऑपरेशन वगैरह हुए, जो यहाँ पे कुछ लोग थे फाटा वगैरह के अंदर, तो उनके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हुए उसके बारे में वो तरमीम थी, वो तरमीम आई, इसके अंदर जो है ना वो फौजी अदालतें बनी। फिर उसके बाद एक तरमीम हमारे पास आती है, 25वीं तरमीम, बहुत ही अहम सवाल है ये वाला भी, 21st अमेंडमेंट तरमीम। ये तरमीम जो है ये वाली बेसिकली पाकिस्तान को जो सूबा है फाटा है, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़, तो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़ के बारे में है कि इसको मर्ज कर दिया गया, इसको हिस्सा बना दिया गया है फाटा को केपीके का, और कुछ इसके जो इलाके हैं वो शामिल कर दिए गए हैं केपीके, इसको केपीके का हिस्सा बना दिया गया है इस तरमीम के तहत फाटा को। और फिर जो है ना उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाटा, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज। अब इसको इस तरमीम के तहत इसको केपीके का हिस्सा बना दिया। इसका पुराना नाम क्या था? अब हम खैबर पख्तूनख्वा इसको हम पढ़ते हैं, तो इसका पुराना नाम था NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। नॉर्थ मतलब ये नॉर्थ के अंदर है, फिर नॉर्थ वेस्ट के अंदर है, फिर फ्रंटियर है मतलब फ्रंट इसका लगता है तो इंडिया या इसके साथ चाइना वगैरह के साथ, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो इस तरह ये पुराना इसका नाम था। और ये नाम कब तब्दील हुआ? 15 अप्रैल 2010 के अंदर, जब 18वीं तरमीम आई 2010, 8 अप्रैल 2010 के अंदर, उस वक़्त ये नाम तब्दील हुआ केपीके के नाम से। अब उसके बाद हम अब आते हैं पाकिस्तान के जो आर्टिकल हैं 280, उनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। रिपब्लिक फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पे है, 1, रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरी। पाकिस्तान के जो टेरिटरी हैं, जो इलाके हैं, उसके अंदर पंजाब है, फिर बलूचिस्तान है, फिर सिंध है, फिर केपीके के है, फिर फाटा है। तो अब इस तरह जो है ये सारे के सारे इलाके पाकिस्तान की टेरिटरी होंगी, और इस टेरिटरी को पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, मजलिस शुरा जिसका नाम है, वो इसको एक्सेप्ट भी कर सकती है, इसको रिजॉल्व भी कर सकती है, मतलब इसको सूबे का हिस्सा भी बना सकती है और किसी सूबे से उसको निकाल भी सकती है। इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन, एक मज़हब होगा, और अब एक काम करने की आज़ादी होगी, और उसके मुताबिक वो अपनी वर्शिप कर सकेंगे, माइनॉरिटीज़ को उनकी वर्शिप करने का, उनकी प्रेयर करने का उनको राइट होगा। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोविजंस। अब ये जो सवाल था, ये सवाल भी आया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो सब्सटेंटिव पार्ट है या कोई और पार्ट है, 3-4 ऑप्शन और थे इसके। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोविजंस है, मतलब सब्सटेंटिव जो है ना इसका एक अहम पार्ट है, इसका एक पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973, ये इसकी बेस किसके ऊपर है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो 12 मार्च 1949 को नाफिज हुई आई, तो इसका एक पार्ट है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान की जो है वो 1935 के एक्ट पे है, तो 1935 के एक्ट पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाई गई। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे पाकिस्तान के तीनों जो दस्तूर हैं, आइंस हैं या कॉन्स्टिट्यूशन हैं, उनकी बेस हुई। तो ये सब्सटेंटिव पार्ट रही है, मतलब बहुत ही अहम हिस्सा रही है। तो इस तरह आर्टिकल 3 हमारे पास है, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लोइटेशन। जो एक्सप्लोइटेशन है मतलब इस्तेहसाल है, इसको ख़त्म किया जाएगा, किसी को किसी का इस्तेहसाल करने की, किसी के नाजायज़ पावर आजमाने की ताकत या उसको अख्तियार नहीं दिया जाएगा। नंबर 4 आर्टिकल है, राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डील्ड विद लॉ, मतलब के जो इंडिविजुअल हैं, जो हर बंदा है, फर्दन फर्दन जो लोग हैं, उनको लॉ के मुताबिक वो अपने एक्सरसाइज करेंगे, लॉ के मुताबिक उनको डील किया जाएगा, लॉ के मुताबिक वो काम करेंगे। और अगर कोई बंदा लॉ के मुताबिक, लॉ के अंदर वो काम करना या काम करने से मना नहीं किया गया, तो उसको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप क्यों कर रहे हो वाला, जबकि लॉ के अंदर, पाकिस्तान के दस्तूर के अंदर, पाकिस्तान के
जो सेक्शंस हैं पाकिस्तान के जो कानून है उसके अंदर किसी काम से मना नहीं किया गया और वो बंदा काम कर रहा है तो उसको कंपेल नहीं किया जाएगा, उसको मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप काम ये क्यों नहीं कर रहे। तो लॉ के मुताबिक हर बंदे को डील किया जाएगा। आगे है पाँचवें नंबर आर्टिकल 5 है लॉयल्टी टू स्टेट ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब स्टेट से हर बंदा स्टेट का फरमाबरदार होगा, ये नहीं होगा कि हम स्टेट के ख़िलाफ़ ही कोई एक्शन लेना शुरू कर दें, स्टेट के ख़िलाफ़ चलना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा। स्टेट के साथ फरमाबरदारी करना ये हर कंट्री का एक रोल होता है, स्टेट के ख़िलाफ़ कोई बंदा भी नहीं जा सकता। और ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, अब हमारा जो दस्तूर है वो इस्लामिक है और इसमें अंदर हर बंदे को राइट है, माइनॉरिटीज़ के अलग राइट्स हैं और हर बंदा इसमें हैप्पी है और हर पाकिस्तान के इंडिविजुअल्स के मुताबिक ये कानून बनाया गया है। और इस कानून के अंदर जो तरमीम है, फिर ये कानून जो है ना इस्लामिक प्रोविजंस है, इसके अंदर हमने इसको ओबीडियंस शो करनी है, फरमाबरदारी शो करनी है कि हम इसके साथ मुत्तफिक हैं और हम इसके कानून के फरमाबरदार हैं। नंबर 6 है हाई ट्रीज़न, और हाई ट्रीज़न अब ये बहुत ही अहम है कि जो इस कानून को 1973 का जो कानून है, आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको ख़त्म करता है, इसके अंदर जो है ना फोर्सफुली इसके अंदर कोई इस तरह की तब्दीली लाना चाहता है तो उसके खिलाफ हाई ट्रीज़न होगी। हाई ट्रीज़न क्या है, इसकी सज़ा क्या है, वो हाई कोर्ट या कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी बल्कि उसकी पनिशमेंट, उसकी सज़ा वो तय करेगी पार्लियामेंट, उसके हालात के मुताबिक पार्लियामेंट उसकी सज़ा मुतय्यन करेगी। और ये हाई ट्रीज़न है, आर्टिकल 6 इसको डील करता है।